माँ ने अपने बेटे से कहा, थोड़ा खा के जा, दो दिन से जिद पे अड़ाया है, कुछ ठीक से खाया भी नहीं है तूने। संजय ने माँ से कहा कि माँ, मेरे बोर्ड की एग्जाम वैसे खत्म हो चुकी है, एक एक्स्ट्रा एग्जाम देने जा रहा हूँ और मैंने मांग मांग के क्या मांगा है, सेकेंड हैंड बाइक ही तो मांगी और पापा है कि माँ आज मेरी ये एक्स्ट्रा एग्जाम खत्म होते ही दीदी को पैसे लेकर मेरी स्कूल पे भेज देना। आज मेरा दोस्त अपनी सेकेंड हैंड बाइक लेकर आने वाला है और मुझे वो खरीदनी है, मैंने उसे वादा कर दिया है, और अगर आज दीदी मेरे स्कूल नहीं आई पैसे लेकर तो मैं घर पर वापस नहीं आने वाला। माँ ने रिक्वेस्ट करते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा तुझे एक नई बाइक लेकर देने वाले थे तेरे पापा, लेकिन पिछले महीने जो एक्सीडेंट हुआ वो। संजय ने माँ की बात को काटते हुए वहां से स्कूल चले जाना ठीक समझा। ये जो एक्स्ट्रा एग्जाम होने वाली थी वो हिमांशु सर लेते, वैसे वो गणित के टीचर थे लेकिन जिंदगी से जुड़े हुए गणित को भी पढ़ाना उन्हें बहुत अच्छा लगता, और सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें भी ऐसी एग्जाम में विशेष रुचि, सारे इन एग्जाम्स के बहुत फैन थे और इसी वजह से वो एग्जाम देने जरूर से पहुंचते। संजय भी पहुंचा और जैसे ही पेपर हाथ में आया तो उसमें पहला प्रश्न था, आपके घर में जितने भी लोग हैं, माँ बाप भाई बहन, आप रोज के कितने घंटे काम करते हो। संजय ने लिखने की शुरुआत की कि पापा तो रिक्शा की चाबी और टिफिन लेकर सुबह के 6 बजे निकल जाते हैं, 9 बजे वापस आते हैं, तो यही कोई 15 घंटे काम करते हैं। माँ सुबह 4 बजे उठती है टिफिन बनाने के लिए, फिर दोपहर में सिलाई मशीन लेकर बैठती हैं और रात के 11 बजे तक काम करती हैं, हमारे सोने के बाद सोती हैं, तो यही कोई 16 घंटे काम करती हैं। दीदी जो है वो कॉलेज जाती है और कॉलेज खत्म करते ही फिर वो 4 घंटे की नौकरी करती है शाम को, रात को आके माँ का हाथ पटाती है और फिर सोती है 11 बजे, तो यही कोई 12-13 घंटे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, सुबह सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे, फिर स्कूल जाके वापस आके दोपहर में सो के रात के 11 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, तो यही कोई 10 घंटे। संजय को ये लेकर एहसास हो रहा था कि घर में काम के सबसे कम घंटे उसी के नाम थे। दूसरा प्रश्न था कि घर में आने वाली इनकम। इस पर संजय ने साफ साफ लिख दिया कि पापा लेकर आते हैं कुछ 10,000 रुपए, माँ और बहन का कुल मिलाकर 3,000, कुल इनकम हो गई घर की 13,000। तीसरा प्रश्न था कि सबसे अच्छा मोबाइल रिचार्ज प्लान और टीवी पर आने वाले आपके फेवरेट प्रोग्राम्स के बारे में बताएं। संजय ने भर भर के लिखा उसमें। चौथा प्रश्न था, अभी फिलहाल टमाटर प्याज और गेहूं का दाम लिखो। संजय इसमें कुछ लिख ना पाया, उसे इसके बारे में पता ही नहीं था तो उसने छोड़ दिया। बहुत सारे सवाल थे, सारे संजय के दिल को टटोल रहे थे, लेकिन एक सवाल आते ही वो अपने आप को रोक ना पाया। प्रश्न था कि आपका परिणाम क्या अच्छा आता है, या आपके माँ बाप आपको परिणाम पे टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं या मारते भी हैं। संजय के आंसू निकल आए थे क्योंकि वो अपने वादों को कभी निभा ना पाया था, आज दिन तक उसका परिणाम अच्छा ना आया था, लेकिन फिर भी माता पिता उसे टोकते बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उसे प्रोत्साहित करते, अच्छा करेगा चांस देते। संजय को समझ आने लगा था कि ये पेपर उसी के लिए था, वो पेपर छोड़ के बाहर की ओर भागा। उसकी आंख में आंसू थे लेकिन बहन सामने खड़ी हुई थी। बहन मुस्कुराकर बोली, ये ले भैया 8,000 रुपए माँ ने भेजे हैं, कहा है कि तेरी जो फेवरेट बाइक है वो तेरे दोस्त के पास से ले आ घर। संजय ने फट से पूछा कि दीदी ये पैसे कहाँ से आए। दीदी ने कहा, जहां मैं काम करती हूँ वहां से एडवांस सैलरी ली है 1 महीने की, ले ले अपनी बाइक। उसका दोस्त भी थोड़ी दूर खड़ा था, उसने जाके अपने दोस्त से कहा, सॉरी दोस्त, ये बाइक जिसको देनी है दे देना, मैं पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाया। फिर अपनी बहन का हाथ पकड़ के घर की ओर चला। देखा तो आज पिताजी की तबीयत ठीक न थी तो बिस्तर पर लेटे हुए थे। संजय ने रोते हुए कहा कि दीजिए रिक्शा की चाबी, इस वेकेशन में मैं कमाई करने वाला हूँ, मैं चलाऊंगा रिक्शा, और माँ आज रात को बैंगन का भरता और रोटी जरूर से बनाना, मेरा फेवरेट खाना, मेहनत की कमाई आज पहली बार खाऊंगा रात में। अर्थात वो कहते हैं ना कि परिवार से बड़ा ना कोई वार ना त्योहार, और माँ बाप का दिल जीत लिया तो कामयाब, वरना दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। तो इस वेकेशन आप क्या करने वाले हो परिवार के लिए? मेरी कहानी पसंद आती है आपको तो रोज सुबह 7 बजे 94.3 MyFM पर जरूर से सुने। एवरी मॉर्निंग एट 7। सी यू देन। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल। केम छो सारू छे? अमदावाद आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से म्वाह।